साथ गौहर मैम भी आ रही थी, बट ऐसा क्या हुआ कि हम नहीं आई, तो मिस कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिस तो कर ही रहे और थोड़े थोड़े टेंशन में भी है, बिकॉज things which
for release. I would be having around two, three music videos which will be releasing soon. So as of now that, and later we'll see when time is right, I will let you all know. Delhi aake bahut acha lag raha hai, firstly because main bahut badi foodie hu, to har jagah ghoom ghoom ke main khana hi kha rahi hu. So it is lovely to see the infrastructure and the way how clean Delhi is. I'm like, why is Bombay not like that? Yeah, so I love the place. I'm loving seeing the place also. I really feel grateful for that, and it is something that I personally like doing, dressing up, and style is something which is very personal. So it depends from person to person, and being awarded for it is a special thing. बुलाने के लिए और मुझे आई थिंक बेस्ट ब्यूटी ब्लॉगर का अवार्ड मिल रहा है. हालांकि मैं फैशन और ब्यूटी दोनों करती हूँ, मगर आज मुझे बेस्ट ब्यूटी ब्लॉगर का अवार्ड मिल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी. जब भी कोई भी अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है, बिकॉज इट्स लाइक अ रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट वी डू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड अवार्डिंग मी दिस अवार्ड. डिपेंड्स ऑन माई मूड, जो मैं फील कर रही होती हूँ मैं वो पहनती हूँ. आज मैं बड़ा ग्लैमरस फील कर रही थी तो मैंने थोड़ा ग्लैमरस कपड़े पहने हैं. बट आई थिंक दैट्स वॉट स्टाइल शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर एंड वॉट यूर फीलिंग इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज तभी आप कंफर्टेबल रह सकते हो और तभी आप कॉन्फिडेंट भी रह सकते हो. एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है. सो या माई स्टाइल इज ग्लैमरस टुडे बिकॉज आई फील ग्लैमरस. पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माइन. जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं उनको भी थैंक यू, जिनको मैं इंस्पायर करती हूँ उनके लिए भी थैंक यू. आई जस्ट हैव नथिंग बट इमेंस लव एंड ग्रेटफुलनेस टू ईच एंड एवरी पर्सन हु फॉलोज मी और हु हैज़ फॉलोड मी ऑल दिस वाइल.